पता होना चाहिए। बस यहीं पर आकर के खराबी पैदा होती है कि जहां पर हम मोहब्बत और नफरत के मियाद को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं। और जब भुला देते हैं तो आप चाहे जितने अच्छे हो जाएं, चाहे जितना अच्छा आपका अमल हो और चाहे जितनी अच्छी कुर्बानियां आप दीन के लिए, दीदारी के लिए, कौम के लिए, समाज के लिए देते रहें, अगर ऐनक नहीं उतरेगी और कसौटी और मेयार जब तक मुअय्यन और मुशख्खस नहीं होगा, आपकी कुर्बानियों की कदर नहीं की जाएगी। मसलन मिसाल दे रहा हूं, ईमानदारी से बताइए, पूरी तारीख आप पढ़िए उठा करके, यानी पैगंबर की 63 साल जिंदगी को और पैगंबर की 23 साल तबलीग दीन को, और इन 23 साल तबलीग दीन में जो इनका साथ देने वाले थे उनकी जिंदगी को जरा सा अगर आप खंगालिए, तो जितनी मोहब्बत इनको मिलने चाहिए थी पैगंबर के साथियों को, क्या मिले? आप गौर कर रहे हैं, यानी मैं एक सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं ताकि उसी मेयार को आप ला करके अपने समाज के ऊपर तौलिए कि आज हम खड़े कहां पर हैं, हम जा कहां पर रहे हैं, हम किस मकाम पर आ गए हैं। क्यों? इसलिए कि 23 साल पैगंबर का अगर किसी ने घर से लेकर के मैदान तक, मैदान से लेकर के इबादत तक, इबादत से लेकर के फर्दी और सामाजिक और माशरती जिंदगी तक जिसने हर मोड़ पर साथ दिया, ईमानदारी से बताइए क्या उसको उसकी मोहब्बतों का सिला मिला? क्यों नहीं मिला? उसने कुर्बानियां नहीं दी, उसने पैगंबर का साथ नहीं दिया, वो हक पर नहीं था, हक पे साथ नहीं था, हक का गिरवीदा नहीं था, सारे सिफाते हसना इसके अंदर, लेकिन जितनी दुश्मनी से निभाई गई, क्या वाकई इसके जो मुकाबिल में, इसके जो खिलाफ, इसके अगेंस्ट जितने आए थे, क्या उनको उतनी नफरतें मिले, उनको उतनी बेजारी मिले, उनको उतनी दूरी मिले? नहीं। अब आप जरा सा अंदाजा लगाइए कि जब हक परस्ती पर चलने के बावजूद एक मासूम, जिसे हम इमाम अव्वल कहते हैं, जिसकी बुनियाद पर कुछ नहीं हो सकता है, जिसके बगैर हमारा कुछ नहीं है, न दीन है, न दुनिया है, न जमीन है, न जमा है, कुछ नहीं है उसके बगैर, लेकिन क्या वाकई उसको उसकी मोहब्बतों का, उसको उसकी मेहनतों का सिला मिला? नहीं मिला। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत और नफरत का मेयार उस वक्त के लोगों ने भी क्या किया, मुअय्यन नहीं किया। जबकि हकीकत यह थी कि बहुत सारे जो मफाद परस्त थे, जरा सा गौर कीजिएगा, मैं जुमले इस्तेमाल कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप जरा सा मुलाहिदा फरमाइएगा कि जब पैगंबर के बढ़ते हुए कदम रोक नहीं पाए, तारीख है, तारीख के झरोखों को आज के समाज के हालात के हिसाब से आप देखिएगा कि जो आज हमारे यहाँ समाज मौजूद है, जो आज हमारे यहाँ हालात मौजूद है, जो आज हमारे यहाँ कंडीशन मौजूद है, क्या उसी मेयार और मिलाद को उस वक्त के दौर को अगर हम देखना चाहें तो आज हम आसानी देख सकते हैं। ईमानदारी से बताइए, पैगंबर के बढ़ते हुए कदम को रोकने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया? पैगंबर को बुरा कहा, कांटे बिछाए, कूड़ा डाला, मुखालफत की, जंगे की, लड़े, आप गौर कर रहे हैं, मुकाबिल में आए, कितनी साजिशें की, कितनी मनसूबाबंदियां की, कितनी प्लानियां की, और जब इन चीजों में नाकाम हो गए तो ऑफर, पैगंबर को भी ऑफर मिला था, क्या मिला था कि साहब आप चाहें तो पूरी दुनिया की दौलत हम आपको दे दें,
पहला ऑफर। दूसरा ऑफर यह था कि आप अरब की जितनी भी खूबसूरत औरतें या लड़कियां जो आपकी नजर में खूबसूरत हो और जिससे आप कहें शादी करने को मुझसे करने के लिए तैयार हो। ईमानदारी से बताइए, आज इंसान के बहकने के यही दो चीजें हैं, या दौलत या जन, यही दो चीजें हैं। आफर पैगंबर को भी दिया गया। जवाब पैगंबर का क्या था आप जरा तो सुनिएगा। देखिए चूंकि हालात हैं, मैं हालात के जुमरे में बहुत सारी बातें आपको पेश करना चाहता हूं। पैगंबर ने क्या कहा, कहा अगर तुम एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद ला करके रख दोगे तब भी हम तबलीग दीन से कदम पीछे नहीं उठाएंगे। पैगंबर क्यों मजाक उड़ा रहे हैं बेचारों का, मैं कह रहा हूं पैगंबर आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं जो इनके बस में नहीं है। ना ये सूरज ला सकते हैं, ना ये चांद ला सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि साहब सूरज इनके अख्तियार में नहीं है, चांद इनके अख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर यही आपको पलट करके कह दें तो चांद को भी आप उतार लेंगे, सूरज को भी आप बुलवा लेंगे। क्या मतलब है, तारीफ में नहीं है, है तो इसका मतलब क्या है कि पैगंबर ने एक वो उनके जहनों को आकर के झिनोड़ा कि जो तुम्हारे बस में नहीं है अगर तुम उसको भी पूरा कर दोगे तब भी हम तबलीग दीन से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। ईमानदारी से आप जरा सा बताइए, इतनी बातें कहने के बाद आज आप जरा सा अपने समाज का जरा सा जायजा लीजिए, आज आप जरा सा अपने समाज को जरा सा टटोलिए, तबलीग दीन करने में रुकावटें कहां कहां डाली जा रही हैं। गौर कर रहे हैं, यानी तबलीग दीन करने में रुकावटें कहां कहां डाली जा रही है। साहब रमजान आने वाला है, रमजान नजदीक है, ये ऑफर दे दो, वो ऑफर दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ताकि साहब अपना उल्लू सीधा किया जा सके, है या नहीं है, समझ रहे हैं। यानी पैगंबर ने जवाब क्या दिया, एक ऐसा कि जो उनके बस में नहीं था, कहा साहब ये काम कर दो। हमारे सामने भी बहुत सारी मुश्किलात ऐसे ही हैं यहां पर। देखिए जितनी भी बातें मैं कहूंगा सब जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलात हैं, आए दिन ये कर दो वो कर दो, ये हटाओ वो हटाओ, ये सोल्यूशन वो सोल्यूशन, ये एक नजरिया देना चाहता हूं, एक बात कहना चाहता हूं, कहूंगा डंके की चोट पर खुतबा रिकॉर्ड होता है, नेट के ऊपर जाता है, जाकर के सबको कर लीजिएगा। हक परस्ती हक बयानी हो तो इंसाफ होना चाहिए, सही है नहीं है, हक परस्ती या हक बयानी हो तो इंसाफ होना चाहिए। इसलिए कि जब आप इस मेयार को अगर आप भूल जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते तो किस मेयार पर, किसी से नफरत करते हैं तो किस मेयार पर, हुब्बो फिल्ला क्या है, बुग्जो फिल्ला क्या है, मुआनात फिल्ला क्या है, मुआदात फिल्ला क्या है। यदि हम अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करते तो क्यों, और अल्लाह के लिए अगर किसी से नफरत करते हैं तो क्यों, इसका जवाब होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आज हमारे समाज में जिस चीज की तरफ लोगों ने आंखें बंद कर रखी हैं आकर के, वो ये तो बता सकते हैं कि ये जो मौका है इख्तलाफात पैदा हुए तो क्यों, है जवाब, है सोल्यूशन, है हल। आज ये काम कर लो वो काम कर लो ये कर, क्या मतलब, इसका मतलब आप जानते, इसका मतलब यही है जो पहले था वही आज भी है। मेरी किसी से कोई जाति न दुश्मनी है न बैर है न मुखालिफत है न मुआफिकत है, आप हक बजानिब आ जाइए हम आपके साथ हैं। आप गलत हैं तो आप सर के बल खड़े हो जाइए, अब से लेके ता कयामत मेरे लिए गलत ही रहेंगे।
एक सलवार तो पढ़िए। क्या कहने भाई, क्योंकि मेयार पता होना चाहिए कि सही और गलत का मेयार क्या है। जो लोग भूल गए हैं, फरामोश कर बैठे हैं, आज भी मेरे जहनों में एक एक बातें हैं, आज भी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आज भी मेरे पास सारी चीजें मौजूद हैं, समझ रहे हैं। जिनको भी, क्योंकि मेरे सामने ऑफर आया, मैं पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ, पब्लिक को बताना चाहता हूँ, ताकि जो ऑफर ले करके आया है वो भी सुन ले, जिसने ऑफर दिया है वो भी सुन ले, समझ रहे हैं। जो ऑफर ले करके आया वो भी सुन ले, जिसने ऑफर दिया है वो भी सुन ले। कि अवामुन नास को गलत फहमियों में ना डालो, मोमिनीन को आपस में ना लड़ाओ, मुनाफिकत खत्म कर दो। इसलिए कि ना मुनाफिकीन रह गए हैं, ना मुनाफिकत रह गई है। आज का दौर है इमाम के जहूर का। अभी अगर नहीं वो करोगे तो आने वाला इमाम जो गैब में मौजूद है उसके सामने ये मसला सारा जाएगा, वो फैसला करेगा अगर नहीं कर सकते। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए कि जो आकर के ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए, ईमानदारी बताइए किसका क्या बिगाड़ा है? किसी का बिगाड़ा नहीं भैया। अगर सोसाइटी की या मस्जिद के नाम पर ली गई जमीन का पैसा बंदरबांट किया जाएगा तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको आकर के अवामुन्नास तक इस मैसेज को पहुंचाएं? बेशक। क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम इसको पहुंचाएं? या ना ये कि जैसे अपने कहा बंदरबांट कर लिया और ला करके हिसाब पेश कर दिया, बोर्ड पर लगा दिया था, और ना यकीन हो तो जाकर के देखिएगा सोशल मीडिया पर, नवम्बर 2014 में सोशल मीडिया पर भी अपलोड है। ऐसा नहीं कि मौलाना रमदान यूं ही हवा में बातें कर रहे हैं। उस वक्त जो हिसाब पेश किया गया वो 96 लाख रुपए का है। मेरी बात सुनिए, जो ऑफर लाए हैं और जो जिसने ऑफर दिया है, आज की तारीख से लेकर के नोट कर ले, खुदबा 6 महीने का टाइम देता हूँ, 3 महीने नहीं 6 महीने का, 96 लाख रुपए ला करके समित के अकाउंट में डाल दे। ऑफर की जरूरत ही नहीं है, 6 महीने का टाइम। मौलाना आलमदार यहां से छोड़ देंगे, इससे अच्छा कोई आपा चाहिए? सब बात तो पढ़िए। मेरी दाती लड़ाई तो किसी से नहीं है ना भाई। आप दीन का पैसा दीन में ला करके जमा कर दीजिए, मुझे किसी से कोई लेना नहीं। लेकिन इसके बाद से अगर किसी ने कुछ वो किया तो उन पर फिर वही कार्रवाई दोहराई जा सकती है जो पिछले जा चुकी है, क्योंकि वो भूल ना जाए। आज भी पूरे रिकॉर्ड मौजूद हैं। एक सलवात और पढ़िए। समझ रहे हैं, यानी पैगंबर आपने इनसे कहा था क्या, एक हाथ में सूरज दूसरे हाथ में चांद, इनके बस में नहीं था, ला करके रख दे। लेकिन पैगंबर ने जवाब क्या दिया था? तबलीग दीन करने से पीछे नहीं हटूंगा। ईमानदारी बता दी, अगर ये कर भी लेंगे तब भी जो मेरी अपनी जिम्मेदारी है, चाहे यहां अदा करूं चाहे कहीं और अदा करूं, उससे मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक सौ सलवात पढ़िए। क्योंकि हमने दामन किसी ऐरे गैरे का नहीं थामा है, उसका थामा है जो कसीमुन नार वल जन्ना, जिसको शहीद इसलिए किया गया कुतिला अलीन फिल मेरा बेले शिद्दत अदले। हमने उसका दामन थामा है कि जिसको कत्ल ही इस बुनियाद पर किया गया कि उसके अंदर शिद्दत अदालत पाई जाती थी। तो हमारा शेवा भी यही है कि हमारा इमाम अव्वल भी वही है, हमारा इमाम आखिर भी वही है। एक सलात कीजिए। समझ रहे हैं, तो जिसने उस दौर में कुर्बानियां दी
पैगंबर का साथ दिया, पैगंबर के साथ साथ रहा जंगों में, नफरतों का शिकार किसे बनाया गया? इसे। मोहब्बतों का शिकार किसे बनाया गया? आप ईमानदारी बताइए, 70,000, मैं कभी कभी सोचता था कि परवरदिगारा कैसे 70,000 मिंबरों से अली इब्न अबी तालिब की जात पर सवालिया निशान लगाया गया, सबको शितम किया गया, बुरा भला कहा गया, कैसे मुमकिन था? लेकिन जब आप तारीख के झरोखों में घुसिए और हालात का जायजा लेते जाइए, तब पता चलता है कि जिसको हालात की ABCD भी नहीं पता होती है, वो भी ऐसे हवा के झोंके में बह जाता है, जिसने चेहरा भी मेरा नहीं देखा होगा, वो भी मुखालफत के लिए तैयार था। आप समझिए इस चीज को, जबकि हकीकत क्या थी? हकीकत यही है। लेकिन लाखों सलाम हो अली इब्न अबी तालिब, लाखों सलाम हो आपका कि आपने अगर कुर्बानियां देने के बावजूद सब्र ना किया होता तो आज हमें आइडियल कोई नहीं मिलता। और क्या कहना शहजादी फातिमा जहरा, क्या कहना कि जिन्होंने उस वक्त यही कहा था, या अली मेरा सलाम आने वाली मेरी औलाद को पहुंचा दीजिएगा, और उसके बाद ये कहा था, याद रखना मेरा एक बेटा आएगा जो तुमसे एक एक जुल्म का बदला लेगा। अगर ये ना होता तो आज हमारे पास उम्मीदों का कोई दामन नहीं, आज हमारे पास इंसाफ का कोई दामन नहीं होता, आज हमारे पास फैसले का कोई दामन नहीं होता, आज दुनिया जुल्म और जोर से भरी होती है। लेकिन क्या कहना, 15 शाबान गुजरी है ना, अरीजे लिखे होंगे, इमाम की खिदमत में अपनी हाजतों का नजराना पेश किया होगा, इमाम की खिदमत में सारी चीजों को पेश किया होगा, इमाम आइए हम आपकी खिदमत में, लिखा होगा। लेकिन कितनों ने, जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था, कितनों ने यही किया होगा कि इमाम मैं आपकी खातिर अपनी इस बुराई को छोड़ रहा हूँ, मैं आपकी खातिर अपनी इस चीज को छोड़ रहा हूँ, आपकी खातिर अपनी इस अना को छोड़ रहा हूँ, आपके लिए ये सारी चीजें, कितने तैयार हुए कहने के बावजूद? तैयार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम तो उलझ करके रह गए खाली हलवों की नजर में, कहने के बावजूद भी कितने घर ऐसे थे जहां पर वही रीत, वही रिवाज, वही चीजें अपने सिस्टम से जैसे चलती चली आई थी वही हुई। और इसके पर खिलाफ बहुत सारे घराने भी ऐसे वो हुए कि जिन्होंने यानी नजर के वक्त फर्दी फर्दी नहीं, इज्तिमाई तौर पर दस्तरखान जमात के तरीके से नजर दिया, ताकि इज्जत और एहतराम हमारे बुजुर्गों को और गुज़िश्तगान को भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम उनको तक तक नहीं भेजना चाहते, सबको एक साथ दस्तरखान पर बिठाना चाहते हैं। एक सलवात तो बढ़िया समझ रहे हैं, الله
خمسه في القران وخمسه ليست في القران فاما الذي في القران محمد واحمد وعبد الله وياسين والذي لا عمل وعمل الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الله صلى الله عليه وسلم आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस अनुमान पर जारी है कि पैगंबर मरकज़े बेहतर हुज़ूरे वाला पैगंबर की जात जो ज़ाती गिरामी है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक का मरकज है और जब पैगंबर की जात इत्तेफाक और इत्तेहाद का मरकज है तो फिर उसके नायबीन को भी इत्तेहाद और इत्तेफाक का मरकज होना चाहिए। आप जरा सा मुलाहिदा फरमाइए कि पैगंबर ने अपनी हयात तैयबा में यही कहा था कि मेरे बाद मेरे जानशीन की तादाद 12 होगी। मेरे बाद मेरे नायबीन की तादाद जो होगी वो 12 होगी। वकुल्लुहुम मिन कुरैशी और सब के सब कुरैश से होंगे और उसके बाद आपने अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब व सानी हसन इब्न अली व सालिस यानी इला आखिर हुसैन इब्न अली ला करके आपने आखिर तक अपने 12 नाम नायबीन के मैं वलदियत पेश किया। और जब मैं वलदियत पेश किया आपने तो आप जानते हैं आज हमारे यहाँ ला करके देखिए तो पैगंबर के बाद से लेकर के अब तक यानी हमारे जो नायबीन हैं पैगंबर के 12वां कहाँ पर है पर्दे गैब में। तादाद मिलाइए वो पर्दे गैब में। आज बहुत सारे लोग हमेशा यही कहते हैं कि साहब जहूर विलादत जहूर का लफ्ज चूंकि अगर इमाम पर्दे गैब में ना होता इसके बाद ये जाहिर होगा जहूर का लफ्ज मुख्तस सिर्फ और सिर्फ आखिरी इमाम से चूंकि जितनी भी बातें हो रही हैं वो यहां पर जाहिरी तौर पर वरना इनका वजूद मुकद्दस अजल से लेकर के अबद तक है यानी जब से वजूद खुदा है क्योंकि हदीस कुदसी ही सहारा लेती है और यही तो हमें बताती है कि हदीस कुदसी ने ये कहा खुदा ने तुम तो कंजम मखिया छिपा हुआ खजाना था जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने आपको क्या किया खल किया। तो अल्लाह की जात के बाद अगर कोई चीज अव्वल है तो वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अब उसके बाद कुरान क्या कहता है कहता है कुल्लु मन अलैहा फान यानी जब कयामत आएगी तो तमाम के तमाम चीजें क्या हो जाएंगे फना हो जाएंगे हत्ता मलकुल मौत हत्ता सूर फूकने वाला फरिश्ता कि जो सूर फूकेगा जिसकी वजह से कयामत आएगी वो भी हुक्म परवरदिगार से क्या हो जाएगा हो जाएगा ला यबका इल्ला वज्हु
रब्बिका ज़ुल जलाले वल इकराम, कोई भी चीज नहीं बाकी रहेगी मगर ये कि जो अल्लाह के चेहरे हैं वो बाकी रहेंगे। कुरान कहता है, अब जाकर के रिवायतों में देखो अल्लाह का चेहरा कौन कौन है, सिफाते जमाल और सिफाते जलाल कौन है। जब तुम सिफाते मजहरे जमाल और कमाल, सिफाते जलालिया और सिफाते कमालिया, इनको जाकर के जब तुम रिवायतों में देखोगे तो तुम्हें मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। जब मोहम्मद और आले मोहम्मद के अलावा कोई नजर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ कोई जात अगर परवरदिगार के अलावा बाकी रहने वाली होगी तो वो आले मोहम्मद की जात होगी, जिनके यहाँ कोई फना नहीं पाई जाती। एक और सलवात पढ़िए, सलवात इन्हीं में से जो आखिरी नायब है वो पदे गए में। पदे गए में से है, और जब वो पदे गए में से है, पदे गए में है, और जब हुक्म परवरदिगार होगा तो वो जाहिर हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने आप को आमादा करें, तैयार करें अपने इमाम के रकाब में, उनके आवानो अंसार में, उनके नासिर और मददगार में शामिल होने के लिए अपने आप को हर वक्त रेडी रखें, मुंतजर रहें। जैसे बार दफा कुरान की आयत, बार दफा रिवायत के जुमले आकर के मिलते जुलते हैं। बास मौके पर खुदा भी कहता है तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं, तुम भी मुंतजर हो, मैं भी मुंतजर हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ये जिसे हुज्जत को हमने छिपा करके पर्दे गैब में रखा है, इसको जब हम जाहिर करेंगे तो इसके आते ही यम लौल अर्जो, जमीन भर जाएगी किस्तों व अदला, इसे अदला और इंसाफ से, और जमीन से जुल्म और जोर का क्या हो जाएगा? खात्मा हो जाएगा। तो अब जरा सा आप बताइए कि जब पैगंबर आए थे, जिस अरब में आए थे वहां का माहौल क्या था? गंदा पानी पीते थे, एक एक चीजों के ऊपर 40-40 साल, एक एक ऊंटों के पीछे, एक एक घोड़ों के पीछे 40-40 साल तक लड़ा करते थे, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, अपनी जहालत के ऊपर फख्र बहुत था, अपने नसब के ऊपर गुरूर बहुत था, अपने अरब होने पर घमंड बहुत था। लेकिन आकर के पैगंबर ने क्या किया? पैगंबर ने अरब के मिजाज को, मेयार को, उनकी मेंटालिटी को, उनकी ज़हनियत को क्या किया? बदला। जो वो लड़कियों को दरगोर करते थे, आपने लड़की का एहतराम करके बताया कि साहब लड़कियां दफन करने की जगह नहीं है, ये एहतराम के लायक है। गौर कर रहे हैं, इन्हीं लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं किया जाता बल्कि इन्हों पे इनका एहतराम किया जाता है। और एहतराम ऐसे किया अपनी बेटी का कि बेटी आती थी तो आप खड़े हो जाते थे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मनसबदार शख्सियत, यानी जो खातिमुल अंबिया हो, अगर वो किसी का एहतराम करता है तो उसका एहतराम करना उसके उम्मतियों पर वाजिब हो जाता है। एक सलवात तो पढ़िए, और जब उसका एहतराम करना उसके उम्मतियों के ऊपर फर्ज हो जाता है, वाजिब हो जाता है। क्यों? इसलिए कि पैगंबर अपनी बेटी के एहतराम में क्या होते थे? खड़े होते थे। पहला मैसेज, यानी उनकी मेंटालिटी को, जो आपस में कबीले 40-40 साल तक लौटे थे, इनके दरमियान मुआखात का सिलसिला कायम किया। मुआखात किसे कहते हैं? कि भाई चारा, भाई बनाया।
अगर हसब और नसब था तो मालूम दिया दीनी एतबार से उखुवत और बिरादरी पैदा किए, और अगर रिश्तेदारी और कबीले के एतबार से थे तो उन कबीलों को आपस में मेलजोल करा करके भाई भाई बना दिया। तो आपने दो मौकों पर, यानी पैगंबर ने दो मौकों पर मुआखात का अमल अंजाम दिया है ताकि मुसलमानों, मेरे मानने वालों, मेरे उम्मतियों, तुम लड़ना नहीं बल्कि मेरी सीरत पर अमल करना कि अगर तुम्हारे दरमियान इख्तलाफात पाए जाते होंगे तो उनको खत्म करके उखुव्वत को, बरादरी को, बराबरी को, मुआखात को जिंदा करके तुम हमारे साथ हमारे असाब में शामिल हो जाना। क्यों? इसलिए कि हो सकता है तुम हमारा जमाना ना पाओ, लेकिन हो सकता है कि जब हमारा नायब आखिर का जोहर करेगा तो जितने इंतजार करने वाले होंगे इन सब को कब्रों से उठाया जाएगा, ताकि जो तुम्हारे दिलों में तमन्ना है, ताकि जो तुम्हारे दिलों में आरजू है, ताकि जो तुम्हारे दिलों में चाहते हैं, जो तुम्हारे दिलों में उमंगे हैं, जो तुम्हारे दिलों में ख्वाहिशें हैं, तुम अपनी ख्वाहिशों का गला न घोटना। और अगर मौत तुम्हें मौका ना दे तो ये याद रखना कि मौत अगर मौका नहीं देगी तो ज़ुहूर के बाद इजाजत दी जाएगी कि तुम अपनी कब्रों से बुलंद होगे, और जो तुम्हारे दिल में एहसास था इमाम की नुसरत का, इमाम की मदद करने का, तो तुम इसकी मदद करना, इसकी मदद करना हमारी मदद करना होगी, हमारी मदद करना खुदा की मदद करना होगी, और खुदा की मदद करने वाला कौन होगा? मोमिन होगा। एक सलवार पढ़िए सब। और जरा सा आपको मैसेज देना चाहता हूं, जरा सा सुनिएगा गौर से कि पैगंबर जाते जाते और मैसेज देते गए। जब लोगों ने ये पूछा आप जा तो रहे हैं, आपने अपने नायबीन की तादाद भी 12 बता दी है, आपने अपने नायबीन की तादाद 12 बता दी है, और उसके बाद अगर कोई जमाना ऐसा आए कि साहब हम आपके नायबीन से मुलाकात ना कर पाए फिर क्या होगा? कसम खुदा की जाकर के हदीसों को देखिएगा, रिवायतों को देखिएगा, जो हमारे अइम्मा ने बुनियादें मजबूत की है गैबत के लिए, बुनियादें मखसूस की हैं किस चीज के लिए? ताकि तुम्हें तैयार किया जा सके कि तुम्हें आदत होनी चाहिए कभी हमारे साथ रहने की, कभी हमारे बगैर रहने की। और जब हमारे साथ रहो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारी मुलाकात हमारी डेली होती रहे, और जब हमारे बगैर रहो तो जरूरी नहीं कि तुम्हारा रابطہ हमसे बिल्कुल टूटा रहे। क्यों? इसलिए कि हम चार नायब मुय्यन और करेंगे, जिसमें हुसैन बिन रौ भी होंगे, अली इब्ने मोहम्मद समरी भी होंगे, समझ रहे हैं, और उसके बाद उस्मान बिन सईद भी होंगे, आखिर चार नायब का इमाम ने नाम लिया, और नाम लेने के बाद कहा ये तो गैबत सुगरा के लिए है। इसके बाद एक जमाना और शुरू होगा जो जाकर के सन 329 या 31 हिजरी में, इसलिए कहा जाता है गैबत सुगरा का जमाना 70 साल या 72 साल, ये इसी लिहाज से है। कहा इसके बाद का जमाना जो होगा गैबत कुबरा होगी। कहा उस वक्त क्या होगा? कहा उस वक्त यही होगा कि मन साइनन ले नफसे हाफिजन ले दीने मुती अन ले अमरे मौला मुखालिफन लिल हवा फलिल अवामे अई युकल्लिदू हो। यानी जो शख्स दीन की पासबानी करने वाला हो, दीन को की हिफाजत करने वाला हो, जो शख्स दीन को बचाने वाला हो, मारिफे दीन रखने वाला हो, साइनल ले नफसे अपने नफ्स की हिफाजत करने वाला हो, हाफिजन ले दीने दीन की हिफाजत करने वाला हो, मुखालिफन लिल हवा अपने ख्वाहिशाते नफसाने की मुखालफत, ऐसा नहीं कि साहब हमारे मन में ये आया तो हमने ये मन कर दिया, नहीं, इस मन को जाकर के तौलना दीन के ऊपर, क्या इस मन से दीन की ताईद होती है या नहीं होती है, इस मन से दीन मुआफिकत करता है या नहीं करता है,
अगर इस मन से दीन की मुआफ़क़त या ताईद होती है तब समझना होगा। तो अब इमाम ने कहा कि ऐसा शख्स ऐसा आलिम अगर तुम्हें मिले तो आवाम के लिए, समझिएगा आवाम के लिए, फलिल आवामे, इमाम ने क्या किया है अवामुन नास को हुक्म दिया है। ये नहीं कि हम साहब अपने को कह दे साहब हम तो फला मुज्तहिद को मानते ही नहीं, तुम्हारे मानने और ना मानने से कुछ नहीं होगा, हम तो इज्तिहाद को मानते ही नहीं, हम तो साहब इसको मानते ही नहीं, ये कहने से कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि इमाम ने कहा फलिल अवामे अई युकल्लिदू हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम ऐसे शख्स की क्या करना, तकलीद करना। क्यों? इसलिए कि ये जो है हमारी तरफ से तुम्हारे ऊपर हुज्जत और इनके ऊपर हम हुज्जत, हमारे ऊपर खुदा की हुज्जत। अब जो हुक्म होगा वो खुदा का हुक्म हमारे जरिए इन तक और इनके जरिए तुम तक पहुंचेगा। अब अगर तुमने इनकी बात को ठुकराया, इनकी बात को ना माना, तो गोया तुमने हमें ठुकराया, हमें ठुकराया तो गोया रसूल को ठुकराया, रसूल को ठुकराया तो गोया खुदा को ठुकराया, और जब खुदा को ठुकराया तो गोया तुम्हारा दीन रुखसत, तुम्हारा ईमान रुखसत, तुम्हारी दीनदारी रुखसत, तुम्हारा रूह ईमान रुखसत। तो अब समझ में आ गया कि जो पैगंबर का जानशीन होना चाहिए जिसको, उसको क्या होना चाहिए, मरकज़े वहदत। मरकज़े वहदत कैसे होगा, यही कि हम सब मुंतजिर हो जाएं इसके, यही कह के इमाम आप आइए हम आपका इंतजार कर रहे हैं, ना ये कि हम ये कह दें हम इस ग्रुप वाले, हम उस ग्रुप वाले, वो उस ग्रुप वाले, वो सलाम वाले, काम नहीं। जब मैं खातमुल अंबिया तुम्हारे ऊपर हूँ, नबी हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, अल्लाह की तरफ से फरिश्तादा हूँ, चाहे तुम मानो या ना मानो, कुरान अल्लाह की किताब है, चाहे तुम मानो या ना मानो, उसकी तरफ से भेजा हुआ दीन तुम्हारे लिए है, चाहे तुम मानो या ना मानो, लेकिन पता उस वक्त चलेगा जब तुम्हारे हाथों से सारा अख्तियार निकल चुका होगा और तुम आकर के देखोगे कि खसरत दुनिया वल आखरा, तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं बचा है। अब तुम पलट करके यही कहना कि परवरदिगारा तू मुझे फिर से दुनिया में भेज दे, अब जब मैं दोबारा जाऊंगा तो मैं अच्छे अच्छे अमल करूंगा। तो परवरदिगार यही कहेगा कि तू मक्कार है, तुझे मैंने कितनी मौका मोहलत दी है, तुझे मैंने कितनी मौका मौका दिया है, कभी तू बीमार हुआ तब तूने कहा अल्लाह शिफा दे दे सीधा सीधा हो जाऊंगा, जब कारोबार टूटा तब तूने कहा परवरदिगारा मेरे कारोबार में बरकत दे दे, खुश भी निकालूंगा, ज़कात भी निकालूंगा, तेरा हक भी दूंगा, मस्जिद में भी दूंगा, इमाम बारगाह में भी दूंगा। और जब कारोबार में बरकत हो गई तो इतना बिजी हो गया कि मस्जिद भी नहीं आ पाया, कारोबार भी नहीं आया, पैसा देना दो, अल्लाह क्या कहेगा, कितना मौका चाहिए। अब उसके बाद जब तुम मसाइल में आया तो मालूम दिया मुसीबतों से हमने नजात दी, तू करबला जाने लगा, तू वहां जाने लगा, तू इमाम बारगाह में जाने लगा, और उसके बाद तुझे जब मैंने शफा दे दी तो अब तू जुमेरात जुमेरात हो गया, महीना महीना, साल भर, और उसके बाद शबे बरात साहब चलेंगे। इसका मतलब क्या था, अल्लाह कहेगा तू मक्कार है, तेरी फितरत से मैं आशना हूँ, तुझे कितने मौके हमने दिए सुधरने के लिए, तुझे कितना मौका दिया हमने बदलने के लिए। तो यही वजह है कि मैं फिर कह रहा हूँ लबो लबाब नतीजा कि पैगंबर की जात मरकज़े वहदत है और इसके नायबीन भी मरकज़े वहदत हैं। जिस तरीके से हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में यजीदियों के सामने खुल करके खुतबा दिया और यही कहा कि कद मुलियत बुतूनकुम अनिल मालिल हराम, तुम्हारे शिकम माले हराम से भर चुके हैं, अब अगर तुम्हारे ऊपर हुसैन जैसे की बात असर नहीं कर रही है तो जा करके देखना तुम्हारे शिकम में माले हराम तो नहीं है, तुम्हारे शिकम में माले हराम होगा तो हमारी बात असर नहीं करेगी। और याद रखना कि आज के बाद से लेकर के कयामत तक
फैसला यही से हो जाएगा कि जो मेरी बात मानने वाला होगा वो हुसैनी कहलाएगा, और जो तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बातों पर अमल करने वाला होगा वो यजीदी कहलाएगा। और यही वजह थी सनद खुदा ने दी जब अली इब्ने अबी तालिब ने इनके बेटे ने करबला के मैदान में दो काम किया, एक और को गले लगा करके पूरे यजीदियों के सामने ये चैलेंज कर दिया कि जब हम यजीदियों के सामने से इनके लश्कर में से अगर कोई निकल करके आता है तो हमारा शेवा ये है कि हम उसे गले से लगाते हैं, उसे सनद देते हैं। शर्त ये है गुनहगार बन करके आओ, शर्त ये है कि एहसास गुनाह करते जाओ, शर्त यह है कि एहसास निदामत करते जाओ। और उसके बाद दूसरी चीज जो तुम्हारे ऊपर हुज्जत रहेगी वो जानते हो क्या रहेगी, वो यही तुम्हारे ऊपर हुज्जत रहेगी कि जब हम तलवार चलाएंगे तो खुदा यही कहेगा या अय्यतुहन नफ्स मुतमईना, ऐ नफ्स मुतमईना यानी ऐ यजीदियों अभी भी तुम समझ जाना कि ये जो हुसैन की जंग है ये दीन को बचाने के लिए है, ये मेरे लिए लड़ रहा है, उसको मैं बुला रहा हूँ। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। एक सलावत पढ़िए।